नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। तो चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। राजस्थान में चुनिंदा सेंटर्स पर होंगे नए आधार रजिस्ट्रेशन, 4000 सेंटरों का सॉफ्टवेयर बदले गए, नए रजिस्ट्रेशन नाम और जन्म तिथि में बदलाव के अधिकार हटाए। हाथी को कितना आगे बढ़ा पाएंगे नए महावत आकाश, लंदन से लौटकर कारोबार संभाला, कोई चुनाव नहीं लड़े। एमपी राजस्थान में जनाधार खोया, अब 5 चुनौती। दरभंगा का एमआरएम कॉलेज बना धोबी घाट, पूरे परिसर पर धोबियों का कब्जा, महाविद्यालय प्रशासन कई बार जिले के अधिकारी को लगा चुके हैं गुहार। इंदौर में डबल नहीं ट्रिपल मर्डर करने आए थे, सरिता की बेटी को भी मारना चाहते थे, लेट होने से बच गई, जले मोबाइल से निकलेंगे कई राज। आज मिल जाएगा राजस्थान को नया मुख्यमंत्री, महिला या सामान्य वर्ग से हो सकता है अगला सीएम, शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक। बिहार में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी पर बदमाश ने फेंका तेजाब, युवक नाजुक स्थिति में अस्पताल में भर्ती, थानाध्यक्ष बोले लड़की से पूछताछ में होगा खुलासा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 अस्थाई था, राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश। इन्वेस्टर समिट से पहले बिहार के उद्यमियों का दर्द, उद्योगों को दवा के बदले दिया जा रहा जहर, 3 साल में 1200 यूनिट बंद। सीएम डिप्टी सीएम के विभाग में पद खाली, नियुक्ति नहीं, रिजल्ट के लिए एएसओ के 896 युवा धरना देने को मजबूर, कई बार ब्रिजेश पाठक से मिले सिर्फ आश्वासन मिला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को चुनौती देंगे मोदी के मोहन, 52% ओबीसी में 20% यादवों पर फोकस, सपा को मुस्लिम वोटर्स तक सीमित करने की रणनीति। कोंडागांव में चलती बस में लगी आग, खिड़की से कूदकर लोगों ने बचाई जान, करीब 60 यात्री थे सवार, जगदलपुर से रायपुर जा रही थी बस। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।